आप लोग की बात कर रहा हूँ, हमारे ये हमाद भाई हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया था भाई, तो इनका ग्रुप है। ये नाम है, लोग ले नहीं पा रहे थे ये, मैं बहुत देर से नाम पढ़ नहीं पा रहा था। ये नाम है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आमिर। आज का जो व्लॉग है बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हमारा जो प्लान है अनबॉक्सिंग का है। अनबॉक्सिंग के बाद मैं शोएब को और ज़फ़र को लेने जाऊंगा। तो आज हमें इनविटेशन मिला हुआ है इफ्तार पार्टी का। इफ्तार पार्टी जिसमें हमारा पूरा बाइक का ग्रुप एक साथ जमा हो रहा है। काफ़ी लोगों को नहीं जानता, कुछ लोगों को जानता हूँ। एक साथ इतने बाइकर जमा होंगे तो क्या सीन होगा। वो अनबॉक्सिंग करते हैं, पार्सल आ तो गया है मगर मुझे लग रहा है कि कम है, और भी चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो अभी तक नहीं आया, तो वो जब आएगा वो तब देखेंगे। अभी जो आया है उसको चेक करते हैं क्या है, कोई मसला तो नहीं, क्योंकि मैंने टूर पे जाना है ईद के बाद, और मेरा इस बार जो टूर होगा इंशाल्लाह सरदूम होगा और मेरा सर सफ़र होगा, और अभी तक किसी का नहीं पता कौन साथ होगा कौन नहीं होगा। डेट मैं आपको मैंशन कर दूँगा किस डेट को मैं जा रहा हूँ। चलें अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आई हैं, तो देखते हैं क्या है। लोग कैंची से करते हैं, कैंची यहाँ पे है नहीं तो हम पेन से करेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। मास्क जो मैंने मंगवाया था, और आप देख भी सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये मास्क आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बड़ा अच्छा है। मगर अभी मैंने जो सोचा था ये उस तरह का मुझे नहीं लग रहा है, मगर पहन के देखेंगे। मैं एड में आपको दिखाऊंगा। अच्छा ये ग्लव्स लग रहे हैं, वो ग्लव्स नहीं लग रहे हैं, ये भी मुझे मास्क लग रहा है। ये मास्क हैं शोएब के और ज़फ़र के, तो ये मैं दोनों उनको दे दूँगा। ओहो ये बड़ा अच्छा है। ये मेरा टैंक बैग है, तो इसमें मैं अपनी कोई काम की छोटी मोटी चीज़ें जैसा मोबाइल हो गया, माइक हो गया, लेंस हो गया, तो ये मैं अपने बाइक के बिल्कुल आगे रखूँगा। तो ये चीज़ें अभी आई हैं। हाँ भाई आपका भाई बंदास लग रहा है। ओह ये भी मैं आपको चलो खोल के दिखा दूँ या नहीं, वो खैर कुछ नहीं कहेगा भाई अपना। ये ज़फ़र साहब का। अच्छा ये सब चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं ये अली एक्सप्रेस से मंगवाई है। किसी को चाहिए हो तो इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। तो बस अब निकलते हैं यार, मेरे ख्याल से मुझे देर हो जाएगी। चलें आ जाए। हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ शोएब के पास, तो मैं शोएब को लूँगा, फिर ज़फ़र आएगा वहाँ पे, ज़फ़र हमें ज्वाइन करेगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम आगे निकलेंगे उस लोकेशन पे। लोकेशन मुझे नहीं पता, वैसे शोएब को पता है लोकेशन का। चलें देखते हैं। हाँ जी हम लोग इफ्तार पार्टी में आए हैं और जगह पे अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। शोएब साहब जो है वो बिल्कुल मरी हुई बाइक चलाते हैं। ज़िंदगी में कभी मैं इसको ना कहूँ कि तू बाइक चला, बोलूँगा तो उनको पीछे बैठ भाई, तेरा काम नहीं है बाइक चलाना। आप लोग की बात कर रहा हूँ, हमारे ये हम्माद भाई हैं, इन्होंने हमें इन्वाइट किया था भाई, तो इनका ग्रुप है। ये नाम है, लोग ले नहीं पा रहे थे ये, मैं बहुत देर से नाम पढ़ नहीं पा रहा था। ये नाम है। रोज़ा खुलने में 2 मिनट रह चुके हैं भाई, प्यास मुझे लग रही है और तो कुछ भी नहीं है। वहाँ से आप निकलने लगे थे, मगर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये हमारे हम्माद भाई हैं, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो बड़ा अच्छा रहा। बकाया आपको ये बताएंगे हमारे हम्माद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैदरिंग हमने ये हर साल की तरह इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइज़ की है, और करने का मकसद ये है ताकि जो ट्रैवलिंग कम्यूनिटी है कराची की स्पेशली, उसके साथ एक बैठक हो, उसके साथ मुलाकात हो। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे पूरा साल का मुलाकात हो। अब बहुत सारे नए चेहरे भी आते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस मकसद के तहत हम ये इफ्तार गैदरिंग एक करते हैं हर साल रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी हमारी गैदरिंग थी, और हर साल जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर ही होता जा रहा है। तो जो पर्पज़ है वो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि एक ओरिएंटेशन, एक लोगों के साथ आपका जो है ना इंटरेक्शन, ये मेन है। मोहसिन भाई हैं, ये इनका घर है जहाँ पे हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमेशा, और हमारे कोर मेंबर भी हैं ये, और इस साइड पे मलिक है। ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ये सारे बेसिकली ट्रेल ब्लेजर्स का इंतज़ामिया है, ये सारी इनकी ही ये काफिश है और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया मिल के। और बहुत अच्छा इवेंट रहा माशाल्लाह, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे नए चेहरे आए, और मज़ा आया आज की गैदरिंग में। नेक्स्ट ईयर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, सोशल वेलफेयर का भी एक सर लेके आए बीच में, कुछ गरीब लोगों को भी बीच में अपने खुशी के अंदर और अपनी गैदरिंग के अंदर शामिल करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। आपको मैं मिलवाता हूँ रज़ी भाई से, और उनके कुछ दोस्त हैं, तो वो कुछ कमेंट्स देना चाह रहे हैं इफ्तार पार्टी के बारे में, तो देखें वो क्या कहते हैं, उनसे सुनते हैं। मैं रज़ी, और मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अकेले ट्रैवल करता हूँ वैसे तो। बाकी बहुत सारे हमारे कुछ दोस्त हैं, कलीग हैं, और कुछ सीनियर्स हैं आसिफ भाई जैसे हमारे, इनकी रहनुमाई में हम ट्रैवल करते हैं। तो बहुत सारे लोग आज टॉप ने स्पेशली एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया था, और हम सब के लिए, सारी बाइकिंग कम्युनिटी के लिए, सारी ट्रैवलिंग कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। साथ साथ आसिफ भाई भी हैं, फरूख भाई भी हमारे साथ को भी मौजूद है हमारा, उसके बाद आदिल भाई, ये सारे लोग हैं। बहुत मज़ा आया अलहमदुलिल्लाह, और हम चाहते हैं कि ऐसी गैदरिंग्स डिफरेंट जगहों पे होती रहें, ताकि बाइकर्स कम्युनिटी और ट्रैवलिंग कम्युनिटी जो है वो आपस में मिलती जुलती रहे, उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ सके। खाएगा यार हैं अभी तो शुरू हुआ है बेचारा, मिलके खाएंगे, तुमसे ना हो पाए।